concept that are the factors affecting rate of evaporation, that what factors which are affecting the rate of evaporation. So we'll start it one by one. So the very first factor we'll discuss, that is the nature of liquid. That is the nature of liquid that depends, that affects the rate of evaporation. Okay, so some liquids in your daily life, you also see some liquids which evaporates very rapidly instead of water. Okay, so there are some another liquids like chloroform, alcohol, petrol. They evaporate, these liquids, they evaporate very rapidly. Okay, so they evaporate rapidly as comparison to the liquid. So these kind of liquids which are evaporating very rapidly, these are known as volatile liquids. Okay, so why this happens? So why they are evaporating very rapidly? So let's understand. You know, in case of liquid, the molecules are like this. Okay, so the forces of attraction among the molecules, that is called the intermolecular forces of attraction. Okay, so in case of these volatile liquids, I'm talking about this volatile liquids. In case of volatile liquids, the intermolecular forces of attraction, is less, or you can say that it is weak. Intermolecular forces of attraction बहुत ज्यादा कम है. When the intermolecular forces of attraction are less, it means they acquire a little amount of energy, they acquire little amount of heat energy to escape from the surface. उनको जब थोड़ी एनर्जी चाहिए, वो थोड़ी सी एनर्जी एटमोस्फेयर में से ले लेंगे और क्या करेंगे, वो एस्केप हो जाएंगे फ्रॉम द सर्फेस एंड दे इवेपोरेट रैपिडली. फाइन, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लेस, देन द इवेपोरेशन हैपेंस मोर रैपिडली. फाइन, सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड फैक्टर. द फर्स्ट फैक्टर आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू. द सेकेंड फैक्टर इज सर्फेस एरिया. ओके, सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड फैक्टर, दैट इज सर्फेस एरिया. यू नो इवेपोरेशन इज अ सर्फेस फिनोमिना. ओके, यू नो दैट इज इवेपोरेशन इट इज अ सर्फेस फिनोमिना, मीन्स इट हैपन्स ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. ओके, सो हेयर आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ बाउल एंड केप्ट सम लिक्विड इन इट. ओके, सो इट्स सर्फेस इज दिस वन. ओके, सो इट्स सर्फेस कंपेरिजन टू द अनदर बीकर लाइक दिस. ओके, द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड इज सेम. नाउ द सर्फेस ऑफ दिस बाउल इज, सर्फेस एरिया ऑफ दिस बाउल इज लेस वन. ओके, सर्फेस ऑफ दिस बाउल, दिस सेकेंड बाउल, दिस इज फर्स्ट बाउल एंड दिस इज सेकेंड बाउल एंड इट्स सर्फेस इज मोर. ओके, सो एज इट इज सर्फेस फिनोमिना, जिसका सर्फेस एरिया ज्यादा होगा उसमें से इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी. यहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ इतने पोर्शन में से इवेपोरेट हो सकेंगे, मगर इन केस ऑफ, इन दिस सेकेंड केस द अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे आर इवेपोरेटिंग थ्रू अ लार्ज सरफेस. इट मींस जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, दिस इज मोर द सरफेस एरिया, मोर इज इवेपोरेशन. ओके,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जितनी सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जो इवेपोरेशन है वो क्या होगी, फास्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द कप ऑफ टी, ओके, इफ यू पुट सम टी, यू पुट सम टी इन अ कप लाइक दिस, ओके, द सेम टी यू पोर इन अ सॉकर, ओके. सो इन विच केस, इन केस ऑफ कप और इन केस ऑफ सॉकर, द टी गेट्स यू कैन से दैट द कूल डाउन इजिली. यस, इन केस ऑफ सॉकर. वाई? बिकॉज द सर्फेस एरिया ऑफ दिस सॉकर इज मोर. दैट इज वाई द इवेपोरेशन हैपन्स एंड इट लेड्स टू द कूलिंग ऑफ दिस लिक्विड वेरी क्विकली. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड यू कैन से दैट थर्ड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर. दैट हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन. थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू नो दैट व्हाट विल अफेक्ट, व्हाट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. ओके, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस means temperature of the atmosphere is more. You can say that if the temperature is more, so the molecules of the liquid, so you can say that more molecules of the liquid, they acquire sufficient kinetic energies. And the more molecules will escape. From the liquid. Right? See, you can say that this water and these are the molecules of water. Okay? If the temperature is more, fine? If temperature is more, these molecules absorb sufficient amount of kinetic energies. पर आपको पता है कि जब भी temperature increase होता है तो kinetic energies क्या हो जाती है, automatically increase. तो वो atmosphere से क्या करेंगे, temperature को molecules जो है ज्यादा molecules उस temperature को acquire करेंगे, kinetic energies उनकी क्या हो जाएंगी, increase, they acquire sufficient kinetic energy. और जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मोर मॉलिक्यूल्स विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. ओके, सो मोर मॉलिक्यूल्स विल एस्केप, इट मींस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इफ द टेम्परेचर इज लेस, द ऑपोजिट विल से, if the temperature will be less, then evaporation also will be less. You can also observe that when there is a very hot day, there is a hot sunny day, the clothes dried up quickly. Why? Because the temperature is more, so more molecules, they acquire the kinetic energies, okay, and more molecules will escape from the surface of the liquid and the evaporation increases. Next factor we will discuss, that is the wind speed. The speed of wind. What is the effect of, this is the fourth factor, that is wind speed. That how the speed of the wind affects the rate of evaporation. As we have discussed that in case of the liquids, these liquids evaporate and goes to the atmosphere. Okay, so what happened here, when these molecules goes to the atmosphere, the wind swept away these molecules away. Jo molecules
लिक्विड में से बाहर आ गए तो विंड क्या करेगी, उनको क्या करेगी, दूर ले जाएगी. फाइन. इफ द विंड स्पीड इज स्लो, ओके, इफ द विंड स्पीड इज स्लो तो वो क्या करेगी, अगर विंड स्पीड स्लो है देन लेस मॉलिक्यूल्स विल बी स्वेप्ट अवे. ओके, लेस मॉलिक्यूल्स विल स्वेप्ट अवे. फाइन. इफ द विंड स्पीड इज मोर, इफ द विंड स्पीड इज मोर देन मोर मॉलिक्यूल्स विल बी स्वेप्ट अवे. अगर जो है हम बात कर रहे हैं विंड स्पीड की, अगर विंड स्पीड कम होगी तो लेस मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगी. अगर विंड स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी वेरी हाई, देन इट्स स्वेप्ट मोर मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द स्पीड, विंड स्पीड. दैट इफ विंड स्पीड इज मोर, इफ द विंड स्पीड इज मोर, रेट ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इफ देर इज अ विंडी डे. ओके, इफ देर इज अ विंडी डे द क्लोथ्स ड्राइड अप क्विकली बिकॉज द स्पीड ऑफ द विंड इज मोर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो मोर. इफ देर इज अ स्टिल डे, विंड स्पीड इज लेस. इफ देर इज अ स्टिल डे देन वॉट हैपन देर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज वेरी less. So the next we will discuss, that is the last factor. It's a very very important factor, that is humidity. That how humidity affects the rate of evaporation. Students, now let's discuss the next factor, that is the humidity. We have to discuss it before that, what is humidity. Humidity is what? This is the amount of moisture. This is amount of moisture present in air. Fine. This is amount of moisture present in air, that is humidity. Fine. So we'll talk two cases. Okay. So in first case, I will talk. If these are some, this is air, fine, these are the air molecules, okay. So I'll draw the water, this red one, I'll say these red one are air molecules and these are water molecules, fine. Similarly, in second case, these are air molecules. These air molecules, okay, and these are water molecules. Fine. So tell me in which case the amount of water molecule is more. So here the amount of water molecule is less, and here the amount of water molecule is more. So it means it is less humid, or you can say that it is a dry air, or you can say that it, the second case, that is more humid because the amount of water present in it is more, or you can say that this is humid air. Okay, now how this affect the rate of evaporation. You know, in case of evaporation, suppose this is a water, water is present in it, okay. In this, what happen? The liquid has to evaporate and goes to the atmosphere, okay. If the air is dry, it means in the first case, it has more space to acquire water. इसके पास क्या है, वॉटर रिक्वायर करने के लिए क्या है, ज्यादा स्पेसेस हैं. सो इट विल रिक्वायर दिस फर्स्ट केस, इट विल रिक्वायर मोर वॉटर. ओके, अगर जो है ड्राई डे है तो वो जो वॉटर वेपर्स निकले हैं वो क्या करेगा, इसमें ज्यादा आएंगे बिकॉज इसमें क्या है, वॉटर के लिए स्पेसेस काफी हैं. मगर इन केस ऑफ सेकेंड केस द वॉटर मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड देयर.
So there is a very less space. There is a very less space to acquire the water molecules. Fine. So जो water molecules है इनमें क्या होंगे? Less. There is a tendency to go water molecules in second case is less. That is why if there is a humid day, if there is a humid day means there is the amount of water present in the air is more, then the evaporation will be less. So in this case the rate of evaporation is less. But in the second in this case when there is a dry day means the less humidity is there, so in this rate of evaporation is more. Fine. So this you can also observe when there is a humid day, then the clothes didn't dry very quickly if there is a humid day. But if there is a dry day, then the rate of evaporation is very much high. Okay. So now let's discuss one more question. Regarding the wind speed. That is, why do we feel comfortable under a fan when we perspire? Okay. Question क्या है कि जब हमें पसीना आता है तो हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें अच्छा क्यों लगता है? Then why we feel very cool? What happened there? Question क्या है कि जब हमें पसीना आता है और हम पंखे के आगे बैठ जाते हैं, then we feel a very cooling effect. Why? Because जो स्वेट है हमारी सरफेस के ऊपर क्या आ गया, हमारी स्किन के ऊपर स्वेट आ गया. स्वेट क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ. और जो फैन था, राइट, जो फैन था, फैन की स्पीड से क्या हुआ, जो स्वेट था, दिस ब्लोज ऑफ मींस द विंड स्पीड हैज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपन, इट अफेक्ट्स द कूलिंग और इट गिव्स द कूलिंग इफेक्ट. फाइन.